सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हमारे पास मारुति सुजुकी वैगन आर CNG, आज हम इसका डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। सारे फीचर्स स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे कि आपको कितना डिफरेंस मिलता है पेट्रोल एंड CNG की प्राइस में। इसका ड्राइव रिव्यू भी करेंगे जिससे कि आपको CNG की परफॉर्मेंस के बारे में पता चल सके। एंड इन द एंड वी विल टॉक अबाउट शुड यू बाय दिस और नॉट। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड बिफोर स्टार्टिंग, स्पेशल थैंक्स टू भाटिया एंड कंपनी चित्तौड़गढ़ द मारुति सुजुकी डीलरशिप टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। आपको भी मारुति का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, टेस्ट ड्राइव करनी है या कोई भी इंक्वायरी है तो शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। गो एंड चेक इट आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो दिस इज़ द मारुति सुजुकी वैगन आर CNG। स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। मैं सबसे पहले आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। इसमें मिलते हैं आपको दो वेरिएंट्स। फर्स्ट वन इज़ LXi, उसकी प्राइस है ₹6,45,000 एक्स शोरूम। एंड सेकंड वन इज़ VXi, उसकी प्राइस है ₹6,90,000 एक्स शोरूम। सो आज है हमारे पास VXi वेरिएंट एंड दिस इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। सो ये थी बात इसकी। अब हम बात करते हैं पेट्रोल वेरिएंट और CNG वेरिएंट में आपको कितना डिफरेंस मिलता है प्राइस का। सो यहाँ पे अगर आप CNG वेरिएंट लेते हैं, LXi हो चाहे VXi हो, तो यहाँ पे आपको 90,000 रुपीज़ ज़्यादा पे करने होंगे। सो CNG वेरिएंट यहाँ पे आपको 90,000 रुपीज़ ज़्यादा कॉस्टली मिलेगा पेट्रोल वेरिएंट से। सो ये थी बात प्राइस एंड वेरिएंट्स की। अब स्टार्ट करते हैं इसकी अपीयरेंस से। सो अपीयरेंस यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक मिलती है, कोई ज़्यादा यहाँ पे आपको स्पोर्टी एलिमेंट नहीं मिलता है, ना ही कोई यहाँ पे आपको ज़्यादा क्रोम वाली चीज़ें मिलती हैं। बट यहाँ पे आपको मिलती है टॉल बॉय हैचबैक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगर जो टॉल लोग हैं उनको जो कार पसंद आएगी और उनको हैचबैक लेनी है तो ये है वैगन आर उन लोगों के लिए, द टॉल बॉय हैचबैक ऑफ इंडिया। सो ये थी बात इसकी अपीयरेंस की। अब स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सो सबसे पहले हम आते हैं फ्रंट में। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक मिलता है सभी चीज़ें। सो फ्रंट फेशिया की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्स मिलते हैं। ये ग्रिल थोड़ी बड़ी मिलती है यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश मिलती है, क्रोम इंसर्ट मिल जाते हैं, सुजुकी का लोगो है, रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है, बॉडी कलर यहाँ पे आपको बम्पर मिलता है एंड यहाँ पे आपको कुछ ब्लैक फिनिश मिलती है तो डुअल टोन ये प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे आपको फॉग लैम्प नहीं मिलते हैं एज ए स्टैंडर्ड, बट आप इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं एक्स्ट्रा पे करके। कमिंग टू द हेड लैम्प, तो यहाँ पे आपको हेलोजन सेटअप मिलता है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं एंड काफ़ी बड़ा यहाँ पे आपको ये हेलोजन का सेटअप मिल रहा है, हेड लैम्प का सेटअप मिल रहा है सॉरी। सो ये थी बात इसकी फ्रंट की। अब हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। सो आ जाते हैं इंजन पे, ओपन कर लेते हैं। सो काफ़ी यहाँ पे हल्का है, यहाँ पे आपको ये बोनट मिलता है फ्रंट का। सो काफ़ी लाइट वेट है, यहाँ पे आपको इंसुलेशन भी नहीं मिलता है एंड दिस इज़ द इंजन। सो फिट एंड फिनिश डिसेंट है एंड यहाँ पे आपको मिलता है 1.0 लीटर 3 सिलेंडर इंजन, क्योंकि ये है CNG वेरिएंट। आप पेट्रोल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 1.2 लीटर का भी ऑप्शन मिलता है। सो दिस इज़ द 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल एंड CNG इंजन। इसकी पावर फिगर्स की अगर हम बात करें CNG में, तो CNG में आपको इसमें पावर मिलती है 56 BHP एंड टॉर्क मिलता है 82 Nm का। एंड अगर हम पेट्रोल में बात करें तो यहाँ पे आपको 66 BHP पावर मिलता है एंड टॉर्क मिलता है 89 Nm का। सो ये थी बात इसके पावर एंड टॉर्क फिगर्स की। एंड काफ़ी यहाँ पे मुझे लगता है बहुत हल्की बनाई हुई है ये कार, क्योंकि जो इसका बोनट है ना वो इतना आराम से उठा लिया मैंने, कोई बच्चा भी उठा लेगा। सो यस, बिल्ड क्वालिटी नॉट अप टू द मार्क और बहुत लो क्वालिटी है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी अगर मैं बात करूँ। सो ये थी बात इसकी इंजन की बिल्ड क्वालिटी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्प्रे दे रखा है ये काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेटेड है, यहाँ पे बोनट पे नहीं दे रखा है तो ये अच्छा लग रहा है। नाउ कमिंग टू द साइड प्रोफाइल, सो साइड से देखने में काफ़ी ऊँची लगती है कार और काफ़ी हाइट वाली यहाँ पर आपको मिलती है ये टॉल बॉय हैचबैक ऑफ इंडिया। सो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हाइट है। व्हील बेस की अगर बात करें तो 2435 mm का यहाँ पर आपको व्हील बेस मिलता है। कमिंग टू द व्हील्स, सो यहाँ पे आपको टायर साइज़ मिलती है 165x70R14। सो 14 इंच के यहाँ पे आपको स्टील व्हील मिलते हैं एंड ये बिल्कुल बेसिक सी व्हील कैप इसमें आपको मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा अपीयरेंस प्रोवाइड कर रही है इसको। यहाँ पे आपको ये मिल जाती है साइड में, ये कुछ क्लैडिंग टाइप मिलता है। सो ये भी आपको एज ए एसेसरी लगवाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तो। कमिंग टू दिस, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है बिल्कुल चिंटू इंटू छोटा सा। यहाँ पे आपको ORVM मिलता है, जो कि ना ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है ना कुछ, आपको सभी चीज़ें हाथ से करनी होंगी। यहाँ पे आपको बॉडी कलर डोर ओपनर मिलता है, ये एक अच्छी बात है। फ्लोटिंग टाइप यहाँ पे आपको रूफ मिल जाती है, यहाँ पे आपको एक एंटेना मिल जाता है एंड दैट्स ऑल। यहाँ पे आपको कुछ ये पिलर ब्लैक फिनिश में मिलता है। सो इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है देखने में दूर से देखेंगे तो। सो ये थी बात इसकी साइड प्रोफाइल की। नाउ कमिंग टू द रियर प्रोफाइल, सो पीछे से भी देखने में कोई ज़्यादा यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ स्पोर्टियर एलिमेंट मिल रहे हैं या क्रोम ज़्यादा है, बिल्कुल बेसिक सा यहाँ पे आपको रियर मिलता है। यहाँ पे आपको वैगन आर की बैजिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो है,
यहाँ पे आपको ना तो डीफोगर मिलता है, ना वाइपर मिलता है, ना वॉशर मिलता है। हाई एंड स्ट्रोब लाइट यहाँ पे मिल जाती है, सीएनजी का यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है। कमिंग टू दिस, यहाँ पे आपको सभी चीज़ें हेलोजन मिलती हैं, काफ़ी बड़ी यहाँ पे आपको टेल लाइट मिलती है। सो हेलोजन टेल लैम्प है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स हैं, हेलोजन रिवर्स यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है। यहाँ पे आपको किंग सेंसर मिल जाते हैं, ये एक अच्छी बात है। दो रिफ्लेक्टर यहाँ पे आपको मिलते हैं एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस है। पीछे आपको कोई रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता इसमें। एंड नीचे से मैं आपको इसकी फिट एंड फिनिश दिखा देता हूँ। सो कुछ इस तरह की फिट एंड फिनिश है नीचे से। अब हम चलते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो कि है इसका बूट स्पेस। सो इसको ओपन कर लेते हैं। काफ़ी अच्छे से स्मूथली ओपन होती है यार इसकी, ये इसको पूरा ओपन कर देते हैं। सो यस, यहाँ पे आपको बूट स्पेस के नाम पे बहुत कम जगह मिलेगी, क्योंकि ये है सीएनजी वेरिएंट। सो यहाँ पे आपको सीएनजी का सिलेंडर मिलता है एंड जो इसका ये स्पेयर व्हील है, इसको लगाने के लिए भी काफ़ी यूनिक यहाँ पे अरेंजमेंट कर रखा है। सो ये थी बात। यहाँ पे आपको 10 kg अप्रॉक्स का यहाँ पे आपको ये मिल जाता है सीएनजी सिलेंडर। अगर इसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 50 liters का यहाँ पे आपको ये सीएनजी सिलेंडर मिलता है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मिलती है वो है ऑटो कट वाला जो ये फंक्शन मिलता है ना। आप कहीं भी इसको, मान लीजिए कोई इमरजेंसी कंडीशन है या फिर कोई पैनिक हो गया आपको एकदम से, तो ऑटो कट यहाँ पे आपको मिलता है, वो आपको सेफ रखता है। एंड मैनुअल कट भी यहाँ पे आपको मिलता है। सो मारुति की सभी सीएनजी कार्स में आपको ये ऑटो कट वाला फंक्शन मिलता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो थम्स अप टू मारुति फॉर दिस। बिल्ड क्वालिटी पे बहुत थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सो यहाँ पे स्पेस है, थोड़ा बहुत सामान आप रख सकते हैं, बट आपको अगर पेट्रोल वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा बूट स्पेस मिलता है, लंबा चौड़ा बड़ा। सो ये थी बात। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है, दैट्स इट। इसको बंद कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम इस साइड में। सो यहाँ पे आपको ये मैंने पहले ही ओपन करके रख रखा था, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो स्विफ्ट सीएनजी थी ना, उसमें मुझे इस चीज़ की कमी लगी थी। जो सीएनजी फिलिंग थी वो उन्होंने उस साइड दे रखा था एंड पेट्रोल का यहाँ पे अलग से दे रखा था। तो ये चीज़ इंटीग्रेटेड, उसमें भी मैंने बोला था उस वीडियो में, इंटीग्रेटेड होती तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड मिलती है। दिस इज़ फॉर सीएनजी फिलिंग, दिस इज़ फॉर पेट्रोल फिलिंग। सो ये थी बात। यहाँ पे आपको इसकी डिस्क्रिप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 liters अराउंड लिखा हुआ होगा। 60 liters की यहाँ पे आपको कैपेसिटी मिलती है। सो 60 liter का टैंक मिलता है आपको अंदर। सो ये थी बात इसकी। अब आ जाते हैं हम इंटीरियर में और देखते हैं स्पेस कितना मिलता है। सो टॉल बॉय हैचबैक है यार, काफ़ी बड़ा यहाँ पे गेट मिल रहा है, तो आराम से लंबा चौड़ा आदमी भी घुस सकता है। सो दिस इज़ द रियर डोर, बिल्कुल ब्लैक फिनिश में, सिंगल टोन में यहाँ पे आपको मिलता है। सभी चीज़ें हार्ड प्लास्टिक हैं। यहाँ पे आपको पावर विंडो मिल जाता है, ये एक अच्छी बात है। डोर ओपनर है यहाँ पे सिल्वर फिनिश में, 1 liter की बॉटल रख सकते हैं। रियर स्पीकर यहाँ पे आपको मिल जाता है। सो अब आ जाते हैं अंदर। फैब्रिक की अगर बात करें तो यहाँ पे तो सीट कवर लगे हुए हैं, फैब्रिक यहाँ पे देख नहीं सकते, तो मैंने उसके लिए आपको एक जुगाड़ करके बताता हूँ। यहाँ पे है वो जुगाड़, तो हम यहाँ पे देखते हैं। सो फैब्रिक यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ये फैब्रिक सीट कवर यहाँ पे आपको मिलते हैं, कंपनी फिटेड जो आते हैं। बाकी ये सीट कवर लगा रखे हैं एज एन एसेसरी। सो ये थी बात। तो फैब्रिक सीट मिलती है, वो भी अच्छी फिनिश में मिलती है। अब हम आ जाते हैं अंदर और देखते हैं कितना स्पेस मिलता है। सो हियर वी आर। सबसे पहले तो बहुत ही ऐसा लगता है ऊपर उठ के बैठे हुए हैं आप। बाकी यहाँ पे थोड़ा कंफर्ट मुझे कम लग रहा है, यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट भी कम है। नी रूम ठीक है, लेग रूम भी ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। हेड रूम भी मेरे हिसाब से यहाँ पे काफ़ी हेड रूम तो काफ़ी ज़्यादा है, हेड रूम में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो ये थी बात। यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर मिल जाता है एंड डिसेंट स्पेस है। हम यहाँ पे बहुत कम है तो आराम से 3 लोग यहाँ पे बैठ के जा सकते हैं। बैग हमारा थोड़ा साइड में कर देते हैं। यहाँ पे आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं 2, बट ये फिक्स है। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको ग्रैब करने के लिए कुछ मिल जाता है, यहाँ पे भी ग्रैब करने के लिए है। सो ये थी बात इसकी रियर सीट की। सो डिसेंट स्पेस है। अब हम आ जाते हैं बाहर वापस से और चलते हैं ड्राइवर सीट की तरफ और वहाँ देखते हैं क्या हमें फ़ीचर्स मिलते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द की, बेसिक की, हमेशा से जो मारुति की देखते हुए आ रहे हैं हम। डोर लॉक अनलॉक का इसमें ऑप्शन है, सुजुकी का लोगो है। एंड आ जाते हैं अंदर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट डोर के बारे में। सो काफ़ी बड़ा डोर है और वही सिंपल ब्लैक फिनिश में यहाँ पे आपको मिलता है। पावर विंडो के स्विचेज़ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ORVM कंट्रोल करने के स्विचेज़ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको डोर ओपनर मिलता है, 1 liter की बॉटल रख सकते हैं, कुछ सामान रखने के लिए यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है, दैट्स इट। कमिंग टू द ड्राइवर सीट, तो ड्राइवर सीट यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती है। ये एक मुझे लगा कि होना चाहिए था, हाइट एडजस्टेबल तो दे देते यार, मैनुअली कर लेता आदमी, लेकिन करता तो सही। सो ये थी बात। कमिंग टू दिस, यहाँ पे आपको 3 pedals मिल जाते हैं,
एस दिस इज द सीएनजी और सीएनजी सिर्फ मैनुअल में मिलता है आपको। वहाँ पे एक फेक पेडल भी दे रखा है लेकिन उसको सही से पोजीशन नहीं किया गया है। सो ये थी बात। यहाँ पे आपको फ्यूल लिड ओपन करने के लिए स्विच मिलता है, यहाँ से आप अपना बोनट ओपन कर सकते हैं। कमिंग टू द स्विचेस, यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है, यहाँ से आप फ्यूल स्विच कर सकते हैं, पेट्रोल से सीएनजी, सीएनजी से पेट्रोल। सो ये थी बात। अब हम आ जाते हैं अंदर। सो अंदर बैठ के देखते हैं क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं, क्या फीचर्स मिलते हैं। सो लेट्स कम इनसाइड। तो हियर वी आर, स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग से। यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक स्टीयरिंग मिलता है, सुजुकी का लोगो यहाँ पे आपको मिलता है। एंड ये आप देख सकते हैं कुछ कवर चढ़ा रखा है, बट यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सा स्टीयरिंग है। कमिंग टू दिस, यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो होपफुली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको सिर्फ एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है, टैकोमीटर भी नहीं मिलता है अनफॉर्चुनेटली, वो होना चाहिए था। सो एंड यहाँ पे आपको एक स्क्रीन मिल जाती है, इसमें आपको फ्यूल गेज मिलता है, दिस इज द फ्यूल गेज फॉर पेट्रोल, दिस इज फॉर सीएनजी। यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको सारे इंडिकेटर मिल जाते हैं। एंड एक ये स्विच मिलता है, इससे आप इसको चेंज कर सकते हैं ट्रिप ए ट्रिप बी। एंड यहाँ पे आपको फ्यूल एफिशिएंसी पता चल जाएगी, एवरेज फ्यूल रेंज यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। सो दैट्स ऑल विद द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, बिल्कुल छोटा सा और बेसिक सा यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। अब हम बात करते हैं इसकी फिट एंड फिनिश के बारे में। सो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड बिल्कुल सिंपल मिलता है डुअल टोन में, यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश मिलती है, यहाँ बेज फिनिश है, सभी चीजें यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलती है। एंड सो है यहाँ पे, आप अगर फिट एंड फिनिश की बात करें तो सो फिट एंड फिनिश मिलती है, ना ज्यादा अच्छी है ना ज्यादा खराब है। सो ये थी बात इसकी फिट एंड फिनिश की। यहाँ पे आपको एसी वेंट भी कुछ बिल्कुल पुराने जमाने टाइप के मिलते हैं ये, एंड यहाँ पे आपको थोड़े मॉडर्न वाले मिल जाते हैं। सो दोनों का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे आपको मॉडर्न मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ पुराने जमाने टाइप वाले मिल रहे हैं। सो ये थी बात। कमिंग टू द इन्फोटेनमेंट, सो यहाँ पे आपको इन्फोटेनमेंट बिल्कुल बेसिक मिलता है, इसमें आपको कोई टच स्क्रीन नहीं मिलती है, बट यहाँ पे आपको ब्लूटूथ मिल जाता है, FM सभी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ से आप अपना मेन्यू और ये सब चीज़ें कर सकते हैं, क्विक एक्सेस के यहाँ पे आपको सारे बटन मिल जाते हैं। हैजार्ड लाइट का यहाँ पे आपको स्विच मिलता है, यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल के स्विचेस मिल जाते हैं, सो मैनुअली यहाँ पे आप क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिलती है फ़ोन वोन रखने की। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल का गेयरबॉक्स मिलता है, एंड सीएनजी में आपको ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। सो ये थी बात। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है कुछ सामान वामान रखने की, यहाँ पे भी सामान रख सकते हैं, पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। सीट की बात करें तो डिसेंट फिनिश में यहाँ पे आपको सीट्स मिलती हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। सो थोड़ी थकान तो होगी यार इनमें, क्योंकि इतनी भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ना ज़्यादा चौड़ी है ना ज़्यादा इसमें आपको इतना कंफर्ट मिलेगा। सो ये थी बात सीट्स की। कमिंग टू द ग्लव बॉक्स, सो छोटा सा यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाती है वैनिटी लाइट, एंड यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाता है। सो दैट्स ऑल विद द इंटीरियर। यहाँ पे आपको IRVM मिलता है, मैनुअली डिमिंग IRVM। सो ये थी बात इसके इंटीरियर की। डिसेंट फिट एंड फिनिश है, डिसेंट यहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल रही हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अच्छा है, इंफोटेनमेंट यहाँ पे आपको मिल रहा है, इसीलिए मैंने कहा था दिस इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। अब हम बात करते हैं इसकी सेफ्टी के बारे में। सो यस, बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है सेफ्टी को लेके, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि यहाँ पे आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं फ्रंट में फॉर ड्राइवर एंड को पैसेंजर। एंड अगर हम बात करें इसके अंदर ABS आपको मिलता है, EBD मिलता है, बट यहाँ पे आपको ना तो ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है ना ESP मिलता है। स्टेबिलिटी के लिए कुछ ESP प्रोग्राम नहीं है, हिल होल्ड का कोई यहाँ पे आपको प्रोग्राम नहीं है, ब्रेक असिस्ट का ऐसा कोई यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलता है। सो सेफ्टी का कंसर्न सबसे ज़्यादा है अगर आप वैगनार की बात करें, सबसे मेजर कंसर्न है बिल्ड क्वालिटी का, क्योंकि यार CNG कार है, बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी देगी अगर मारुति ना तो मज़ा आएगा। सो ये थी बात इसकी सेफ्टी की। अब हम चलते हैं इसका ड्राइव रिव्यू करते हैं। सो नाउ लेट्स गो फॉर द ड्राइव। सो यहाँ पे हो रही है बिन मौसम बरसात और हम कर रहे हैं वैगनार CNG का ड्राइव रिव्यू, और देख लीजिए 80 स्पीड पे तो चल रहे हैं अब यार। इसमें टैकोमीटर तो है नहीं तो RPM का पता चल नहीं रहा है, बट यहाँ पे पिकअप डिसेंट है, मतलब एकदम से जो पावर डिलीवरी आनी चाहिए वो तो नहीं आ रही है, बट फिर भी यहाँ पे आपको डिसेंट पावर डिलीवरी मिल रही है CNG के हिसाब से यार। 1.0 लीटर का यहाँ पे इंजन मिल रहा है आपको, और इसकी मैक्सिमम पावर आपको मिलती है 56 BHP एंड 82 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। सो उसके हिसाब से तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ही डिसेंट पावर डिलीवरी मिल रही है। हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी कहीं ना कहीं लैग कर रही है बीच में। सो एक तो 1000 CC का इंजन है और सिर्फ CNG है, तो आपको थोड़ी सी पावर से यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप पेट्रोल में जाएंगे तो वहाँ आपको वो जो पावर का लैग है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर आप आराम से चला सकते हैं, यहाँ से स्विच कर सकते हैं आप पेट्रोल में। सो
ये थी बात इसकी इनिशियल पुश की। सो यहाँ पे आपको डिसेंट पावर मिल रही है, डिसेंट पिकअप मिल रहा है, बट सीएनजी है तो यार यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप कह सकते हैं इकोनॉमी वाइज आपको बहुत अच्छी यहाँ पे कार मिल रही है, एंड इकोनॉमिकल यहाँ पे ये मिलेगी मारुति वैगनार। और अभी आ रही थी पीछे बारिश और यहाँ पे थोड़ा मौसम खुला खुला सा और काफ़ी अच्छा सा क्लीन इन्वायरमेंट है, तो मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। सो अभी हम पहुँच चुके हैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, एंड पावर ऐसा लग रहा है कि निकलवानी पड़ रही है इस गाड़ी से खींच खींच के, कि भाई निकाल के दो हमें एकदम। सो यस, यहाँ पे बहुत ही डिसेंट पावर है। रिफाइनमेंट के मामले में इंजन ठीक ठाक है, ज़्यादा आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। आवाज़ भी थोड़ी अंदर आती है जब आप इससे पावर डिलीवरी मांगते हैं, मतलब एकदम से आप इसको पेडल को प्रेस करते हैं तो एकदम आवाज़ निकल जाती है इंजन की, सो वो आपको सुनाई देगी। बाकी नॉर्मल NVH लेवल्स की अगर बात करें तो आप देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी। सो थोड़ी बहुत यहाँ पे विंड नॉइस आ रही है, थोड़ी बहुत इंजन की भी नॉइस है, एंड थोड़ी बहुत टायर्स की भी नॉइस है, तो ये यहाँ पे NVH लेवल्स आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसके स्टीयरिंग के बारे में। सो स्टीयरिंग डिसेंट है, बिल्कुल बेसिक सा वैसे भी यहाँ पे स्टीयरिंग मिलता है आपको, एंड इसका जो फीडबैक है वो भी ठीक ठाक है, मतलब आपको नॉट अप टू द मार्क कहूँगा मैं। अगर आप हाई स्पीड पे मतलब 100 के ऊपर या 100 तक भी चलाएंगे ना तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा इसके स्टीयरिंग से। जो फीडबैक मिलना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए आपको ड्राइव करने में, वो आपको मज़ा नहीं आएगा। सो स्टीयरिंग यहाँ पे आपको डिसेंट मिलता है, ठीक ठाक स्टीयरिंग है। अभी देखिए यहाँ पे कीचड़ कादा उछल रहा है और बारिश के मौसम में यही थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। सो ये थी बात। अब हम बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग के बारे में। तो डिसेंट यहाँ पे आपको ब्रेकिंग मिलती है। अभी हम चल रहे हैं ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, एंड हम देखते हैं अभी थोड़ा बारिश भी हुई है तो ब्रेक सप्लाई करके देखते हैं इसमें हम। सो यस, ABS एक्टिव हो गया था और ABS की वजह से काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग यहाँ पे आपको मिलती है। ये चीज़ अच्छी है कि इसमें सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे आपको ABS मिल रहा है, सो ये अच्छी बात है। ब्रेकिंग यहाँ पे आपको डिसेंट मिलती है। गेयरबॉक्स की बात करें तो गेयरबॉक्स भी डिसेंट है, यहाँ पे आपको इजी शिफ्टिंग मिलती है। क्लच यहाँ पे बहुत स्मूथ है, क्लच आराम से आप इसको प्रेस कर सकते हैं, आराम से गियर शिफ्टिंग मिलेगी यहाँ पे आपको। एंड इसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता है, अगर आप CNG लेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा। LXi एंड VXi इसमें आपको वेरियंट मिलते हैं। VXi वेरियंट है, उसमें भी आपको यहाँ पे कुछ टच स्क्रीन नहीं मिलता है, इन्फोटेनमेंट बेसिक यहाँ पे इन्फोटेनमेंट मिलता है। फ्रंट में आपको सिर्फ 2 स्पीकर मिलते हैं यहाँ पे, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी नहीं मिलता है। सो ये सब चीज़ें हैं और बेसिक यहाँ पे आपको इंटीरियर मिलता है, बट यहाँ पे जो बेज कलर दे रखा है ना उससे थोड़ा सा यहाँ पे मुझे प्रीमियमनेस लग रही है इस इंटीरियर में। और स्पीड ब्रेकर आ गए थे तो हमने सोचा इसके सस्पेंशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। भी लेते हैं हम यहाँ से यू टर्न। सो यू टर्न लेने में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जाम हुआ हुआ था। सो बैक ऑन द रोड। सो हम बात कर रहे थे इसकी सभी चीज़ों के बारे में, इंटीरियर की मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक एंड बेज फिनिश है काफ़ी अच्छी लगती है और इससे थोड़ा यहाँ पे इंटीरियर और ज़्यादा स्पेशियस लगता है, थोड़ा एयरी इंटीरियर यहाँ पे आपको लगता है। सो ये थी बात इसके इंटीरियर की। बाकी यहाँ पे आप अगर पीछे 3 लोग बैठेंगे, आगे यहाँ पे 2, तो मतलब 5 लोग आराम से बैठ के इसमें आप जा सकते हैं कहीं पे भी। और यहाँ पे ज़्यादा आपको बॉडी रोल इतना नहीं मिलेगा, ठीक ठाक कंफर्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। हाइट अच्छी मिल रही है ना तो उससे आपको थोड़ा स्पेस अच्छा मिलता है इस कार में। एंड यस, ये थी बात। अब हम बात करते हैं इसकी फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में। सो यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार अमेजिंग फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो है 34.05 किलोमीटर पर केजी। अगर आप CNG की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर पर केजी की फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। सो ये बहुत ही इनक्रेडिबल है। अगर आपको 30 किलोमीटर पर केजी भी मिल गया ना, अगर प्रैक्टिकल मैं बात करूँ तो, सो बहुत शानदार वो आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। और इसीलिए मुझे लगता है वैगनार की सेल दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, मतलब पिछले 8-10 महीने से तो मैं देख ही रहा हूँ कि इसकी सेल हमेशा ये टॉप 3 टॉप 5 में ही मिलती है मुझे। सो यही इसका रीज़न है। परफॉर्मेंस भी यहाँ पे इतनी ख़राब नहीं है कि आप इसको चलाने में कोई दिक्कत हो। फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छी कार है, अफोर्डेबल है, स्पेशियस है, एंड बिल्कुल बेसिक यहाँ पे अपीयरेंस है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बुरी लगती हो कार, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी और अट्रैक्टिव हो। तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक कार है और इसको चलाने में ज़्यादा आपको कोई ऐसा मज़ा नहीं आने वाला है। नॉट ए फन टू राइड व्हीकल,
बस इसको चलाएं आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंचेंगे मज़े से, एसी वेसी है सब चीज़ें हैं। सो ये थी बात वैगनार सीएनजी की ड्राइव परफॉर्मेंस के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन, शुड यू बाय द वैगनार सीएनजी और नॉट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में। सो सबसे मेन इसमें पॉजिटिव चीज़ आपको मिलती है इसका माइलेज। यहाँ पे आपको क्लेम्ड माइलेज मिलता है 34 किलोमीटर पर केजी, जो कि बहुत इनक्रेडिबल है। अगर आपको 30 किलोमीटर पर केजी भी मिल गया ना तो आपका पूरा पैसा वसूल है। तो माइलेज यहाँ पे सबसे बड़ा पॉजिटिव है वैगनार सीएनजी का, और इसीलिए टॉप 10 सेलिंग कार्स में ऑलमोस्ट ये हमेशा टॉप 3 में ही रहती है। यार पिछले 8-10 महीने से देख रहा हूँ मैं, वैगनार या तो टॉप फर्स्ट रैंक पे रहती है या फिर टॉप 3 के अंदर तो रहती है। तो सबसे ज़्यादा इसमें मुझे लगता है ये पॉजिटिव पॉइंट है इसका कि इसमें माइलेज आपको धमाकेदार मिलता है। सेकेंड चीज़ है बिल्कुल यहाँ पे आपको बेसिक कार मिलती है और अफोर्डेबल कार मिलती है, मतलब सीएनजी में भी आपको ज़्यादा इतना कोई एक्स्ट्रा प्राइस पे नहीं करना पड़ रहा है। अगर आप सीएनजी वेरिएंट भी ले रहे हैं तो पेट्रोल से आपको ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज़ ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, तो अफोर्डेबल है, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है, ये इसकी सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं। और प्लस यहाँ पे आपको स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है, टॉल बॉय हैचबैक है तो आराम से यहाँ पे पीछे भी 3 जने बैठ सकते हैं और आगे भी अगर बैठ के जाएंगे 2 जने, मतलब ड्राइवर और को पैसेंजर है तो उनको भी ज़्यादा यहाँ पे आप ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत छोटी कार में बैठे हैं। सो स्पेस काफ़ी अच्छा है। सो ये सब चीज़ें इसकी पॉजिटिव हैं। अब आप बात करते हैं इसकी नेगेटिव चीज़ों के बारे में। सो नेगेटिव सबसे बड़ा है इसका बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको बहुत मतलब बहुत लो मिलती है, बहुत लो ग्रेड की यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है, क्योंकि जिस तरह से मैंने इसका हुड ओपन किया था ना उसी से ही पता चल गया था कि यार इसके में बिल्कुल जो स्टील है वो बहुत लाइट वेट यूज़ किया गया है। सो ये एक कंसर्न है और इस पर मारुति को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा नेगेटिव है जो कि आजकल लोगों को दिख रहा है मारुति की कार में। सो बिल्ड क्वालिटी इसका सबसे बड़ा नेगेटिव है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ सेफ्टी फीचर्स इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं, जैसे कि ABS इसमें आपको मिलता है जो कि बेसिक है, सभी कारों में आजकल मिल रहा है। उसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलता है। सो ये थी बात इसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव की। अब हम बात करते हैं इसके सेगमेंट राइवल्स की। सो CNG आपको इस सेगमेंट में मिलता है। हैचबैक की अगर बात करें तो सबसे पहला इसका राइवल है टाटा टियागो, टाटा टियागो CNG आपको मिलती है, एंड सेकेंड है ह्यूंडई की ग्रैंड आई 10 नियोस CNG। सो वो दोनों कार हैं। अब जैसे अगर हम टाटा टियागो की प्राइस की अगर बात करें तो सबसे पहले हम प्राइस की बात कर लेते हैं। दिस इज़ द वैगनार। इसकी अगर अपन बेस वेरिएंट जैसे कि LXi की बात करें तो उसकी प्राइस है 6,45,000, एंड अगर टाटा टियागो की भी बेस वेरिएंट की बात करें तो उसकी प्राइस भी अराउंड यही है, 6,44,000 के अराउंड है। लेकिन अगर आप नियोस CNG की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको मैग्ना मिलता है और उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा ही है, अराउंड 7.4 लाख के अराउंड है, 7.45 लाख के अराउंड है। तो वहाँ पे आपको फीचर्स भी थोड़े ज़्यादा मिल रहे हैं। सो ये इसके सेगमेंट राइवल्स हैं। अब टाटा टियागो की अगर बात करोगे तो वहाँ पे आपको फ्यूल एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी। नियोस की अगर बात करोगे तो वहाँ पे भी आपको फ्यूल एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी और बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक मिलेगी। सो इसीलिए मुझे लगता है कि वैगनार इज़ द बेस्ट चॉइस, मतलब लोगों को अफोर्डेबल भी चाहिए प्लस फ्यूल एफिशिएंसी भी चाहिए, स्पेशियस भी चाहिए। सो दिस इज़ द कार जो कि आजकल लोग लेना पसंद कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें मिल रही हैं। सो ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट मारुति सुजुकी वैगनार CNG। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज़।